अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ अब सब लोग अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका मोबाइल गुम हो गया है, आपका मोबाइल चोरी हो गया है, या आप लोगों ने अपना मोबाइल किसी जगह पे रखा है, आपको याद भूल गया है, आप किस तरीके से इसकी लोकेशन लोकेट कर सकते हैं, आप किस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं, मेरा मोबाइल इस वक्त कहाँ पे पड़ा हुआ है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप लोग आसानी से उसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है, आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा मोबाइल इस टाइम किसी जगह पे ऑन है, किस जगह में चल रहा है, और आपका उसके अंदर कोई पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है, आप लोग चाहते हैं कि जिस बंदे ने मेरा मोबाइल चोरी किया है, मेरा डाटा उसकी एक्सेस में नहीं जाना चाहिए, तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपने डाटे को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल साइलेंट पे है तो आप लोग साइलेंट मोड है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान और सिंपल सा तरीका है। आप लोग आसानी से अपने मोबाइल की लोकेशन चेक कर सकते हैं किस तरीके से होता है। आज की वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल से आप लोगों को बताया जाएगा, और कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आपके मोबाइल की जो लोकेशन है वो फाइंड आउट नहीं होगी, आप लोग जो है उसको नहीं देख सकते। उसमें क्या है, नंबर वन पे अगर आपका मोबाइल जो है वो ऑफ़ किसी ने कर दिया है, तो उससे आपके लोकेशन जो है वो बिल्कुल भी चेक नहीं होगी। नंबर टू पे अगर उसकी GPS जो है उसका किसी ने ऑफ़ कर दिया है, उससे भी आपका मोबाइल जो है उसको आप लोकेट नहीं कर सकते। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने में आपके एक पैसे का भी नुकसान नहीं है, लाइक करने में भी आपके एक पैसे का नुकसान नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए आप लोगों को सिखाते हैं कि आप लोग किस तरीके से अपने मोबाइल को ढूंढ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले थे कि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो आप लोग उसको कैसे ट्रेस सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है, वहाँ पर सर्च करना है फाइंड माई डिवाइस। ये मैंने सर्च कर लिया, इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो वेबसाइट दी हुई है इसको क्लिक कर लेना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आप लोगों ने करना क्या है, जो आपका मोबाइल गुम हो गया है उसके अंदर जो आप लोगों ने ईमेल आईडी लगाई हुई है, वो आप लोगों ने लैपटॉप के अंदर जो है ना वो उसको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे लोकेशन भी बताएगा कि आपका मोबाइल जो है वो इस लोकेशन पे है इस वक्त। ये देखें, यहाँ पे इसकी लोकेशन शो कर रहा है। ये मेरे पास एक मोबाइल है, ओप्पो का मोबाइल है, ठीक है। इसकी जो ईमेल आईडी है वो मैंने लैपटॉप के अंदर लगाई हुई है। ये देखें, यहाँ पे वो शो कर रहा है। उसकी परसेंटेज जो बैटरी की है वो भी आ रही है। उसके बाद ये कनेक्ट है इंटरनेट से, मतलब कि आप लोगों ने डाटा ऑन किया हुआ है या वाईफाई, ये देखें वाईफाई से ऑन है। उसके अलावा ऊपर इसका नाम आ रहा है, यहाँ पे ये इसकी लोकेशन शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह उसकी जो मुकम्मल लोकेशन है वो आप लोगों के पास शो हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं इस मोबाइल को साइलेंट पे लगा, साइलेंट मोड पे लगा देता हूँ, ये देखें इसको मैंने मुकम्मल साइलेंट मोड पे लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी जो साइलेंट मोड है वो उसको इंटरनेट से ख़त्म करूँ। ये देखें, ये फ़र्ज़ करें कि ये मोबाइल मेरा गुम हो गया है, साइलेंट मोड पर था। अब क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको साउंड प्ले करता हूँ, प्ले साउंड पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, कुछ सेकंड के बाद ये देखें इसका साउंड प्ले हो गया है, मोबाइल बिल्कुल ऑफ है, ठीक है। ये साइलेंट मोड पे था। अब देखें जो है इसकी साउंड है, साउंड की आवाज़ आप लोगों को आ रही है, देखें साइलेंट मोड पे था, उसके बावजूद जो है इसकी साउंड प्ले हो गई है। तो इस तरह आप लोग अपने मोबाइल की, अपने ही लैपटॉप के ऊपर जो है ना वो उसको साउंड प्ले कर सकते हैं, उसकी जो साइलेंट मोड है उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि जिस बंदे के मेरा मोबाइल जिस बंदे के पास गया है, मेरा डाटा उसकी एक्सेस में नहीं जाना चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मुकम्मल अपने मोबाइल को डिलीट कर सकता हूँ। जितना भी डाटा है, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, मेरा मोबाइल जिस मर्ज़ी कोने में है, जहाँ पे भी है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ उसको मुकम्मल डिलीट कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर आपका मोबाइल अनलॉक था, आपका मोबाइल लॉक नहीं था और गुम हो गया है, तो आप लोग यहां से क्या करें, उसको लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। ये मुकम्मल उसकी लोकेशन बता रहा है। इस तरह आप लोग अपने मोबाइल को जो है ना ट्रेस सकते हैं। आपका मोबाइल दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप लोग उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं।
और एंड पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर जब तक आपके उस मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो आप लोगों के पास उसकी लोकेशन भी शो नहीं होगी, उसकी बैटरी परसेंटेज, साउंड प्ले, आप लोग कुछ भी उसका जो है ट्रेस नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।